सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका व्लॉग विद आतिश में गाइस। तो आज गाइस, जैसे कि देख सकते हो, मैं आ चुका था KTM के शोरूम में। और जो है आज मैं जाने वाला हूँ KTM की जो ड्यूक है 390, उसका जो है मैं रिव्यू करने वाला हूँ। इस वक्त हमारे साथ है KTM के ड्यूक 390। इसका लुक कुछ साइड से इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर पीछे से दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से, और अगर सामने से बात करूंगा तो ये जो लुक है कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फुल LED लाइट सेटअप है, फुल ऑन एकदम। और ये जो साइड के जो ये लगे हैं, ये भी काफ़ी एकदम मस्त लग रहे हैं। टायर अगर दिखा दूँ तो टायर भी काफ़ी सही लग रहा है गाइस। टायर जो है कौन से सेक्शन के है मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर दूंगा गाइस। और पीछे का टायर भी काफ़ी सही लग रहा है, स्पोर्टी एकदम जो है एकदम लुक देता है। तो लुक है ना एकदम स्पोर्टी लगती है गाइस, सच बोल रहा हूँ। मतलब देखोगे ना फर्स्ट टाइम में तो आया है, मार ही डालोगे, ऐसा वाला लुक है एकदम से, देख सकते हो यहाँ पे। और अगर इंडिकेटर्स की बात करूँ तो इंडिकेटर्स भी LED का आपको सेटअप मिल जाएगा यहाँ पे भी, और पीछे के साइड में भी LED का जो है सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे हैंड बार है, जो मतलब जो पकड़ने के लिए, पिलियन को पकड़ने के लिए भी सेफ्टी का भी जो है बहुत अच्छा ख्याल रखा है। और जो ये फिनिशिंग है, मतलब लाइटली थोड़ा सा ब्लू कलर जैसा फिनिशिंग लग रहा है, देख सकते हो। और ये 390 का जो लोगो है ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है गाइस, सच बोल रहा हूँ। गाड़ी जो है दिखने में बहुत क्लास लग रही है, क्लास मतलब क्लास। अगर गाइस इंजन की बात करूंगा ड्यूक 390 की, तो इसका इंजन जो होने वाला है 398 cc का लिक्विड कूल इंजन। तो ये इसका इंजन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, देख सकते हो। WP के एपेक्स के जो है इसका सस्पेंशन है, काफ़ी किलर लग रही है गाड़ी बहुत सच में। यहाँ पे जो है लिक्विड कूल्ड है, कूलन का जो है यहाँ पे दिया गया है लेवल चेक करने का, यहाँ से डाल सकते हो खोल के, डाल सकते हो खोल के। अरे कहना क्या चाहते हो? और गाइज अगर यहाँ पे इसके हैंडलिंग पे दिखा दूँ तो यहाँ से जो है एडजस्ट करते, जो है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे जो भी डिस्प्ले में आएगा के अंदर। इसके मिरर भी आप लोग देख सकते हो गाइज, मिरर भी काफ़ी एकदम जो है एकदम मोटा ही है, एकदम बल्कि है गाड़ी एकदम से। दिखा दूँ एकदम फ्रंट साइड से तो जैसे कि देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके का लुक है। और मेरे पास ड्यूक भी है, इसका भी रिव्यू बहुत जल्दी आएगा गाइस, तो डोंट वरी। तो ये इस तरीके का कुछ इसका लुक है गाइस। और गाइस अभी सब कुछ होने के बाद अगर बात करूंगा इसके पावर की, तो जैसे बताया 398 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है। पावर की बात करूँगा तो 46 PS की पावर है, उसी के साथ 39 Nm का जो है टॉर्क जनरेट करती है अपनी ड्यूक 390। तो पावर के मामले में तो आप लोग हिचकिचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर तो भर भर की दी है ड्यूक ने अपने को, मतलब KTM ने बहुत भर भर के इसमें पावर दी गई है। और साथ ही में अगर फीचर के बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ मोड्स भी आते हैं, जैसे राइडिंग मोड्स, तो ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, क्विक शिफ्टर हो गया, बाद में रेन मोड भी हो गया, कुछ ऐसे ऐसे मोड है। कितने टोटल मोड रहेंगे वो मैं एक बार साइड में मेंशन कर दूंगा कौन से मोड में सपोर्ट करती है। तो गाइस अभी ये जो शोरूम था ये KTM का था अपना, तो इसका जो है मैं एड्रेस पूरा डाल दूंगा। और अगर इसकी प्राइस की बात करूंगा तो प्राइस होने वाला है 3,81,000, ठीक है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चाहिए लोन बिन करके चाहिए तो वो भी मिल जाएगा 6.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिल जाएगा, 2 ईयर 3 ईयर और 5, हाँ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। आप जो क्लोजिंग चार्ज रहेगा वो भी 0% रहेगा गाइस, ठीक है। सो जो है हिडन चार्जेस वगैरह रहते हैं सब पहले आके बात कर लेना, तो बता देंगे जो भैया है अच्छे से आप लोगों को, उसके बाद आप लोग जो है बात करके जो है बुकिंग कर सकते हो। और जहाँ तक मेरा पता, मेरे दोस्त ने भी यहीं से गाड़ी लिया है KTM का जो है ड्यूक 250, तो उसका भी बहुत ईजिली सब हो गया था फाइनेंस वगैरह, तो भाई ने किया था अपने, तो बहुत सही था एक्सपीरियंस यहाँ का। मतलब मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को आना है आ जाना। अभी जो है इसकी प्राइस वही बता दूँ, 3,81,000 के आसपास मिल जाएगी। फाइनेंस करोगे तो 6.6
समथिंग के आसपास जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब 6 पॉइंट से थोड़ा ऊपर ही, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। भाई देवी मोड बता दूँ, इसके अंदर जो है आप लोगों को 3 मोड मिल जाएगा, रेन मोड रहेगा एक, स्ट्रीट मोड रहेगा और ट्रैक मोड रहेगा, साथ ही में लॉन्च कंट्रोल भी है अपनी KTM ड्यूक 390 में गाइस, ठीक है, 390 की बात हो रही है यहाँ पे, 390 में जो है 3 मोड रहेंगे, रेन मोड रहेगा, स्ट्रीट मोड रहेगा और ट्रैक मोड रहेगा। तो ये इसका कुछ फीचर था गाइस। गाइस डिस्क की बात करूँ तो आगे पीछे दोनों जो है डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस अगर जो फ्रंट वाला जो टायर है वो 110/50 का जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जो पीछे का जो टायर है 150/70 सेक्शन का जो टायर है, 150/60 सेक्शन का जो टायर है पीछे के साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। टायर काफ़ी मोटा है तो राइडिंग के टाइम पे इतना कुछ आपको दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि टायर भी अच्छा खासा मोटा है एकदम, इसका देख सकते हो मेरे हाथ में पूरा बैठ रहा है गाइस एकदम। और यहाँ पे सारी गार्ड वगैरह सब कुछ दिया गया है, और लुक के मामले में तो अभी ड्यूक को तो कोई पीछे कर नहीं सकता, आपको तो पता ही है गाइस, ड्यूक 390 ले लो या फिर 250 ले लो, दोनों के लुक में कोई तोड़ है नहीं गाइस। सो गाइस यही था आज के वीडियो में, आई होप अगर कुछ कोई चीज़ रह गई रहेगी तो मेरे को बता देना, जो मैं है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर प्राइस का एक बार फिर से आपको लोगों को बता दूँ, 3,11,000 में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लोन वगैरह सब कुछ यहाँ पे करके मिल जाएगा, कानपुर का KTM शोरूम है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आ जाना, भाई से बात कर लेना, सब चीज़ें आपको करके अच्छे से दे देंगे, ठीक है। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, ऐसे ही अभी बाइक के रिव्यू और जो डेली ब्लॉग है आते रहेंगे, सपोर्ट बनाए रखना गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।